हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। इट्स रिलेटेड टू बायोलॉजी। एज तुम्हें पता है कि चैनल का इंट्रोडक्शन देखी होगी, तो अच क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री एज वेल बायोलॉजी अंडर वन रूफ। तो मैं कोशिश करूँगा कि बायोलॉजी भी कवर की जाए, ठीक है जी, एज वेल एज केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स। बायोलॉजी ज़्यादा कवर नहीं करूँगा मैं, मतलब हफ्ते तुम्हें मैक्सिमम एक तो दो वीडियोज मिला करनी है, ठीक है जी। एंड मेरी तुम्हें गारंटी है कि तुम बिल्कुल सैटिस्फाइड होंगे, जो भी लॉजिक होंगे ए टू जेड तुम्हें क्लीयर किए जाएंगे, ठीक है जी। इदा नहीं कि लर्न कर लो बस हो गया, हर एक चीज़ का लॉजिक होगा और क्लीयर किया जाएगा। चलो जब आप फर्स्ट प्लस वन क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, प्लस वन क्लास का अपना फर्स्ट चैप्टर आ दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है जी। अब आप थोड़ी इंट्रोडक्शन लेनी है एंड वी आर गोइंग टू टेक इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट ऑल्सो कि बायोलॉजी सब्जेक्ट है क्या, वट डज इट मीन। जस्ट लाइक आप फिजिक्स की लई सी एज वेल एज केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन लई सी इन द प्रीवियस वीडियोज। चलो देखो, बायोलॉजी भी बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है। बेसिकली बायोलॉजी का जो मीनिंग है डैट इज़ अबाउट लाइफ, कि लाइफ एग्जिस्ट किमें करती है, ठीक है जी। अगर लाइफ कितने एग्जिस्ट कर रही है तो उससे क्या रीजन ने, अगर कितने लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही तो उत्थे उस चीज़ के क्या रीजन ने। मतलब सिंपलीफाइन करना है अपना कि लाइफ नू एग्जिस्ट करने लिए कौन कौन कि फेवरेबल कंडीशन चाहिए ने, ठीक है जी। सिंपल फंड है, वी हैव टू फाइंड आउट द कंडीशंस अंडर विच लाइफ कैन सरवाइव, ठीक है जी। वो आप हूँ तक फाइंड करते आ रहे हैं अपनी लॉन्ग हिस्टरी अबाउट, चलो किन्ने हज़ार साल हो गए, किन्ने सौ साल हो गए अपन स्टडी करते हुए। देर आर लॉट्स ऑफ थिंग, बहुत सारिया चीज़ें अपन पता लगी हैं कि लाइफ सैल होंगे, टिश्यू होंगे, ठीक है जी, डी एन ए आर एन, दीज आर द बेसिक थिंग्स। बट हजे भी बहुत सारी चीज़ा ने जो कि अपनी पहुँच तो बाहर ने, ठीक है जी। जिमें कहते नहीं औकात, ठीक है जी, अपने औकात को अजे बाहर नहीं चीज़ा, आप जिस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं डेफिनेटली आफ्टर फ्यू ईयरस आप बहुत सारी चीज़ा नवी फाइंड करा। देखो मैं सामने लिखा है बायोलॉजी डैट इज रिलेटेड टू लाइफ, लॉजी मतलब लॉजिक, रीजनस टू फाइंड रीजनस लाइफ क्यों एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी। नैक्सट बायोलॉजी का तीन मेन ब्रांच होते हैं, तीन मेन ब्रांच होते हैं, बेहतर बहुत सारिया ब्रांच होते हैं। ऑनेस्टली इसका स्कोप बहुत आ, बट स्कोप सिर्फ उदों ही आ अगर तुम इस चीज़ को समझोगे। अगर तुम बायोलॉजी में क्रैम करोगे ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया, आ हो गया, वाह हो गया, नहीं कुछ नहीं बनना है, गरंटी है तुम्हें। अगे जाओगे थोड़ा बॉर्डर बढ़ूगा, इन बुक्स आ जानी ने, अगर गल नहीं समझोगे तो बॉर्डर ही पेगा। चलो तीन ब्रांचेस ने मेनली बायोलॉजी ने, फर्स्ट वन इज बॉटनी। बॉटनी की भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, डैट इज स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स दी स्टडी डैट इज कॉल्ड द बॉटनी। देखो इनिशियली पहला प्लांट्स नू लिविंग ऑर्गेनिजम से गिने नहीं जाता सीगा, अगर तुम पता थोड़ी हिस्ट्री पता हो। दैन एक मशीन सी अपनी डैट इज इनवेंटेड बाय फिजिसिस्ट क्रेस्कोग्राफ, तुम सर्च कर सकते हो इसके बारे। अपने जे सी बोस से उन्होंने थोड़ा जहा स्टडी किया एंड फर्स्टली प्रूव किया कि प्लांट्स हैव लाइफ, कि प्लांट के बच्चे भी की है लाइफ होंगी। उन्होंने एक्सपैरिमेंट किया, एक प्लांट के पॉइजन पाई थी, एक प्लांट के पॉइजन नहीं पाई थी, दैन मशीन अटैच करके उन्होंने देखा थे जिस पॉइजन पाई थी उसका रिस्पोंस क्या आया, जिस पॉइजन नहीं आई थी उसका रिस्पोंस क्या आया। दोनों केस अलग अलग रिस्पोंस आए थे, डैट क्लीयरली शोज कि उन्होंने भी लाइफ होंगी, ठीक है। उस तो बाद स्टडी स्टार्ट होगी एंड अलग ब्रांच जो कि डैट इज कॉल्ड एज अ बॉटनी, जो कि प्लांट्स बारे स्टडी करेगी। प्लांट की बहुत स्टडी है, ठीक है जी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ने प्लांट के, तुम्हें भी मजा होगा अगर फर्स्ट चैप्टर अपना प्लांट्स ना रिलेटेड है। बेसिकली सैकेंड इज माइक्रोबायोलॉजी। हम माइक्रोबायोलॉजी मतलब जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज ने, वायरसिस ने, उन्होंने स्टडी किस तरीके स्प्रैड करते, किस तरीके अम्यून सिस्टम अफेक्ट करते, ए टू जेड बैक्टीरियाज बारे, डैट इज़ अंडर माइक्रोबायोलॉजी। थर्ड वन इज एनीमल किंगडम हो गया है ना, एनीमल की स्टडी जो कि अपनी आप भी एनीमल्स से आ गए कि जो एनीमल ने रिप्रोडक्शन वगैरह किमें होंगी, ए टू जेड कि सर्वाइव करते हैं, अडैप्टेशन पता नहीं की बहुत कुछ है, तो सारा कुछ इस ब्रांच आ जाएगा। मेन तीन ब्रांचेस ने बट फर्दर ही डिवाइडेड ने, बायोटेक हो गया, ठीक है जी, वो पता नहीं किन्नी किन्नी ब्रांचेस है, वो पर लेटर ऑन वीडियो पता करा कि ब्रांचेस है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ ईच ब्रांच। लेट्स स्टार्ट आउट, आप फर्स्ट अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। अच्छा मैं तुम्हें एक गल होर दसनी भुल गया, वैसे कोई लॉजिकल नहीं हैगी, अगर बाई चांस पूछा कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, वैसे फादर का कोई लॉजिक नहीं होंगे, बट फिर भी अगर पूछा गया दैन इट इज़ एरिस्टोटल, ठीक है जी। इस बंदे मन्ना जाता बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन, ठीक है जी, फादर ऑफ बायोलॉजी मन्ना जाता है।
चलो आप स्टार्ट करते हैं। देखो लिविंग वर्ल्ड के देखो सारे ना पहला जो वो सारे ना पहला डिस्कस करना चाहिए दैट इज लाइफ कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ की है, व्हाट इज लाइफ। असं कहने कि ठीक है लाइफ बारे स्टडी करना है, पहला डिस्कस करो कि लाइफ एक्चुअल है क्या। अगर मैं थोड़ा थोड़ा जहा पिछे लेके जावा, देखो अज आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कोई लॉजिकल टॉपिक्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी, कि DNA RNA हो गया, mRNA tRNA पता नहीं की, मतलब लॉजिकल नहीं कर रहे, सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं अज, ठीक है, लॉजिकल बिल्कुल करेंगे। देखो अगर मैं लाइफ में डिफाइन करना, देखो लाइफ में डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, वी कैन नॉट डिफाइन लाइफ, लाइफ कभी भी डिफाइन नहीं हो सकती हैगी, ठीक है जी, बट अपन करैक्टराइज कर सकते हैं, करैक्टराइज समझते हो, डिफाइन नहीं कर सकते बट वी कैन करैक्टराइज। हुण देखो ध्यान ना, अगर मैं थोड़ा पिछले लेके चलना, एक्चुअल जो बायोलॉजी केमिस्ट्री ही आ, मैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एक्चुअल जो बायोलॉजी केमिस्ट्री ही आ, तुसी कह सकते तरीके कि केमिस्ट्री दी ही एक तरीके ना बना चाहिए। मैं इदा क्यों कह रहे हैं, कईयों को बुरा लगेगा कि केमिस्ट्री ने क्यों कंपेयर करता, रीज़न जो लाइफ दे सारा ना बेसिक चीज़ा ने, अगर मैं थोड़ी हूँ तक स्टडी तो गिनावा, दैट इज DNA RNA है ना, अमीनो एसिड तो मिलकर अगे बनते हैं, जो भी थोड़े सैल हो गया, कुछ भी हो गया, A to Z कोई भी चीज़ है, ठीक है जी, ये सारे एक्चुअल एलीमेंट्स से बने हुए हैं। एलीमेंट वर्ड ज़्यादा या फ्रॉम केमिस्ट्री, बेसिकली अगर मैं अमीनो एसिड की ही एग्जाम्पल लवा, अमीनो एसिड बेसिकली नाइट्रोजन, जिदा सिंपल N होंगे, फॉस्फोरस, ठीक है जी, फॉस्फोरस भी प्रदान होंगे इन्हें, हाइड्रोजन तो होंगी होंगी है, कार्बन भी प्रदान होंगे, मतलब कुछ क एलीमेंट ने, ठीक है जी, जेडे कि जदों एक ऑर्गनाइज मैनर च आ जाते हैं, ऐदा नहीं है कि मैं नाइट्रोजन चक लिया उन्होंने पानी से घोलता तो मैं कहता कि लाइफ बन गई, नहीं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस हाइड्रोजन कार्बन एंड अदर एलीमेंट्स जदों एक किसी एक ऑर्गनाइज मैनर च, समझ रहे हो गल, ऑर्गनाइज मैनर के जो ये वर्क करते हैं, जिमें DNA दे देखो DNA दे विच क्या होंगे, लॉट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके तुसीं थोड़ा जिहा पढ़िया होगा शायद 10th क्लास के रिगार्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, वो करके DNA उसकी शेप मिलती है, जिन्होंने आप कहने हेलिक्स स्ट्रक्चर, इदा अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो उन्होंने DNA ये वाली शेप नहीं मिलनी थी। आप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बेसिक जो करेंगे DNA RNA क्या होंगे, मैं सारे A to Z बेसिक तो चुकूंगा, ठीक है जी, हम बिल्कुल कंप्लेन नहीं आऊगी कि सानू तो पता नहीं है, A to Z पूरा बेसिक होगा। चलो जो तो ये सारे एलीमेंट्स ऑर्गनाइज मैनर के, ठीक है जी, ऑर्गेनाइज मैनर के काम करते हैं, ठीक है जी, दैन दे फॉर्म लाइफ। लाइफ कदों बनती है, लाइफ कदों बनती है जो कुछ एलीमेंट्स जो थोड़े सामने ने, ठीक है जी, दे आर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइफ, बेसिकली आप जिमें कहने अमीनो एसिड, अगर अमीनो एसिड प्रोटीनस नहीं फॉर्म होंगे लाइफ पॉसीबल नहीं है जी। सो डैट्स वाई मैं कह रहा था कि केमिस्ट्री ही आ, डीप जाके केमिस्ट्री ही आ, तुहानू अगर इन्हां दी स्टडी आती है तो तुसीं बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर नाल डील कर सकते हो। अगर मैं तुहानू DNA स्ट्रक्चर दिखावां जां mRNA जां tRNA स्ट्रक्चर, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर ने, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर दिखने पैने आपां नूं, बट उन्हां दी अगर तुहानू बेसिक पता है, तुहानू बेसिक नॉलेज है किहदी, केमिस्ट्री दी, दैन तुसीं एक्सप्लोर कर सकते हो बायोलॉजी नूं। अगर तुहानू केमिस्ट्री दी नॉलेज नहीं हैगी, स्पैशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीन ब्रांच होंगे ने, वन इज़ फिजिकल, सैकेंड वन इज़ इनऑरगेनिक एंड थर्ड वन इज़ ऑरगेनिक केमिस्ट्री। अगर तुम ऑरगेनिक केमिस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज हैगी है, तुम बायोलॉजी कुछ भी कर सकते हो बायोलॉजी। अगर तुम यदि नॉलेज नहीं हैगी, तुम इदा है बस कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं बनना है, ठीक है, नैक्सट जाके सफ़र करोगे तुम, गरंटी है सफ़र करोगे। सफ़र करने का रीज़न की है, क्योंकि अगे स्टडी बढ़ती जानी है, ठीक है जी, बहुत बड़े बड़े मकैनिज्म आएंगे, साइकिल आएंगे, कितना समझोगे, बेसिक तो पता नहीं है, ठीक। चलो तो गल समझ आ गई जी, मैं क्यों कह रहा था कि बायोलॉजी तो पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, बिकॉज DNA RNA अमीनो एसिड सैल्स, ये स्पैशली नाइट्रोजन फॉस्फोरस हाइड्रोजन कार्बन ही एक ऑर्गेनाइज मैनर चाहते हैं। अच्छा तुम क्या सोचा कि वर्ड ऑर्गेनिज्म कितों आया, असं कहने की ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म मतलब जिस लाइफ होंगी है, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म वर्ड क्यों आया, क्योंकि देखो
ऑर्गनाइज मैनर के जो चीज़ा अरेंज हो दैन लाइफ होंगी क्लीयर डैट्स वाई नाम ऑर्गेनिजम पे कि लिविंग ऑर्गेनिजम लिविंग ऑर्गेनिजम है। अगर मैं कहाँ कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम फिर क्योंकि नॉन लिविंग चीज़ के भी डेफिनेट अरेंजमेंट होंगे ने। अगर मैं आई चीज़ देख लवा जब मैं मार्कर देख लवा ये भी एटम का एक डेफिनेट अरेजमेंट है ऑर्गेनाइज अरेजमेंट ठीक है जी। तो मैंने की कहता ऑर्गेनिज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम लिविंग दे इन्हों का की आ डेफिनेट अरेजमेंट। चलिए अगे चलते होपफुली क्लीयर हो गया होगा वर्ड ऑर्गेनिजम कितों आया क्यों आया क्योंकि अपने अंदर सारा कुछ की आ ऑर्गेनाइज वैल ऑर्गेनाइज। अगर वैल ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो लाइफ पॉसीबल नहीं हैगी। पहली गल मैं पता लग गई लाइफ बारे डैट इज़ लाइफ इज ड्यू टू द बेसिक एलीमेंट्स लाइक नाइट्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन एंड वैन दे आर अरेंज इन अ ऑर्गेनाइज मैनर। चलो जी अच्छा हम देखो ऑर्गेनाइज मैनर च अरेंज करना ही बहुत नहीं है ठीक है। मैं सपोज करो चार बंद लाइन च खड़ाता ठीक है मैं क्या तुम हूँ ऑर्गेनाइज मैनर तो थोड़ी लाइफ चली जाऊगी तुम हूँ कोई काम करने की लड़ नहीं गई थोनों खाना पीना मिल जाऊगा क्या पॉसीबल है कि सिर्फ चार बंद लाइन च खड़ा क्या उन्होंने खाना पीना मिल जाऊगा इमेजिन करके देखो। अगर उन्होंने सर्वाइव करना है देखो पहली गल की आ ऑर्गेनाइज मैनर होना चाहिए बिल्कुल हुंदा है। स्ट्रक्चर्स देखो देखो स्ट्रक्चर्स क्यों आई हैं आप क्यों कहना स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मतलब एक वैल डिफाइंड अरेजमेंट ठीक है। तभी तो मैं कहना डी एन ए की आह स्ट्रक्चर है आर एन ए आह स्ट्रक्चर है सैल की आह स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया की आह स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया सॉरी मतलब ऑर्गेनाइज मैनर च ने। देखो नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन सो ऑन बहुत सारे एलीमेंट्स ने एंड आप कमिस्ट्री एक टर्म पढ़ते हैं डैट इज़ कॉल्ड द रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता होंगे न्यू प्रोडक्ट्स बनते होंगे रिएक्शन लेड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। शायद थोड़ा आइडिया लग जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा ऑर्गेनाइज होना ही जरूरी नहीं है। सैकेंड चीज़ ये आपस रिएक्शन भी करते हैं रिएक्शन का नवे प्रोटीन बनते हैं नवे अमीनो एसिड बनते हैं ठीक है जी। रिएक्शन करके ही बंदे की डैथ भी होंगी है ठीक है जी बंदे लाइफ भी मिलती है एज वेल एज डैथ भी होंगी है। द फस्ट चीज मेन ऑर्गेनाइज मैनर सैकेंड दे मस्ट डू रिएक्शन एंड रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनते हैं बहुत ज़्यादा कंपलैक्स होंगे ने कंपलैक्स मीनस इनकी स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा कंपलैक्स होंगी है काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रक्चर। अगर मैं स्टार्च की गल करा स्टार्च की स्ट्रक्चर कुछ एड्डी वीड्डी स्ट्रक्चर होंगी है ठीक है जी। सैलोस की गल करिए एड्डी वीड्डी स्ट्रक्चर है माल्ट की स्ट्रक्चर एड्डी वीड्डी होगी बट दे आर अंडरस्टैंडेबल ठीक है जी। अगर अपना बेसिक पता होगा दे आर अंडरस्टैंडेबल। नैक्सट चीज़ देखो जी अगर मैं हम लाइफ न डिफाइन करने की कोशिश करा वैसे तो पॉसीबल नहीं है कि लाइफ में मैं डिफाइन कर सकता मैं जस्ट कोशिश कर रहा कि उन्होंने करैक्टराइज करा कि लाइफ होंगी की है वट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। अगर मैं एक छोटी जी डेफिनेशन नोट करा इट इज़ अ तुम देख रहे हो सहमत हो मेरे नाल लाइफ लाइफ बारे लिख रहा मैं थोड़ा जा इट इज़ अ यूनिक कंपलैक्स ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ अ यूनिक कंपलैक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम मॉलिक्यूल्स वर्ड कितों आया दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स एटम देने आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं मॉलिक्यूल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्लियर डैट एक्सप्रेस थ्रू केमिकल रिएक्शंस ते अपने वेल ऑर्गेनाइज अरेजमेंट को किमें एक्सप्रेस करते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शंस एंड दीज रिएक्शंस लेट्स टू फर्स्ट वन नोट करो ग्रोथ। आप कहना कि प्लांट ग्रो कर रहे ग्रो किमें कर रहे दिमाग लगाओ ग्रो क्यों करेगा वह जो उन्होंने प्रॉपर तरीके ना की सारा कुछ न्यूट्रिशन मिलेगा न्यूट्रिशन किमें बनना है रिएक्शन ठीक है जी। नवे नवे प्रोटीन बनते हैं नवे नवे हारमोन्स बनते हैं ए टू जेड सारा कुछ। फर्स्ट वन इज ग्रोथ सैकेंड वन इज डिवेलपमेंट। देखो मैं थोड़ा एन सी आर टी तो डायरैक्टली सारा कुछ चक्या जो कुछ उन्होंने एन सी आर टी लिखा मैं सूँ उ मेनली
करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा जहा कोऑपरेशन दो। फोर्थ वन इज रिप्रोडक्शन, मतलब आप बेसिक चीज़ें ने जो कि आप फिफ्थ भी लिख सकते हैं। फिफ्थ वन इज एवोल्यूशन, एवोल्यूशन इन्हें केमिकल रिएक्शन का ही रिजल्ट होंगे आ सारी चीज़ों। रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस थिंग, एडेप्टेशन, एवोल्यूशन, डिवेलपमेंट, ग्रोथ, ए टू जेड सारा कुछ ये ही आता जी। क्लीयर? चलो नैक्सट मैं चलता अगे, इत तक सू शायद क्लीयर होगा वो क्या चल रहा, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लाइफ। चलो हूँ आप वन बाय वन इन्हें थोड़ा जहा एक्सप्लेन करा कि ग्रोथ का मीनिंग क्या होंगे, डिवेलपमेंट का मीनिंग क्या होंगे या होर चीज़ा। एक एक दो होर लिखो यार मेरे दिमाग च आ रहा। सिक्स्थ वन इज मैटाबोलिज्म, मैटाबोलिज्म पता है ना मैटाबोलिज्म क्या होंगे, जो छोटे छोटे बच्चों नहीं पता होगा मैटाबोलिज्म क्या होंगे। अगर मेरे दिमाग कोई होर होगा मैं तुम लिख दिता, अदरवाइज इन्ने एक बहुत है कि आ सारे कैमिकल रिएक्शन करके आ सारी चीज़ें आपको शो होंगे ने, यह सारी चीज़ें शो होंगे ने बिकॉज ऑफ दैट कैमिकल रिएक्शन। अगर ये चीज़ें शो हो रही ने मतलब उत्थे लाइफ हैगी, मतलब लाइफ को करैक्टराइज करन दा तरीका है कि लाइफ है या नहीं है दिस थिंग। चलो जी नैक्सट पढ़ते हैं। देखो अगर मैं सारे पहले ग्रोथ लवा, अगर मैं ग्रोथ में एक्सप्लेन करना चाहना कि भाई क्या ग्रोथ होना जरूरी है, अगर किसी चीज़ की ग्रोथ नहीं हो रही कैसा मतलब उस लाइफ नहीं हैगी, क्या कहना बिल्कुल सही है। तुम खुद दिमाग लगाओ, अगर सपोज फॉर किसी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही हैगी, सपोज वो प्लांट ग्रो नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि उस लाइफ नहीं हैगी। तो एक ग्रा एक प्लांट की मतलब ग्रो कर रहा, किस का मतलब यह है कि उस लाइफ हैगी, मतलब क्या ग्रोथ ग्रोथ एक पक्का मुद्दा हैगा डिसाइड करने कि भी लाइफ किसी चीज़ हैगी या नहीं हैगी। दिमाग लगाओ तुम कि मैं ग्रोथ में कह सकता कि नहीं यार ग्रोथ तो बिना नहीं कुछ हो सकता है। आंसर आ नो, ग्रोथ यह जी चीज़ नहीं हैगी जिसके सिर पर मैं लाइफ में डिसाइड कर पाव कि असल लाइफ हैगी है कि नहीं हैगी। एक्चुअल च बहुत चीज़ें है जी ग्रो नहीं कर दी है, बट स्टिल उन्होंने की आ लाइफ होंगी है। सो ग्रोथ इज़ नॉट द फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिस बेस पर मैं डिसाइड कर सकता कि यस ग्रो भी लाइफ हैगी है। अगर मैं सैकेंड चक्कर डिवेलपमेंट डिवेलपमेंट थोड़ा जहा हम वो ना हो जाओ कि एस एस सी चले गए सोशल साइंस कि इंडिया डिवेलप कर रहा, इतने डिवेलपमेंट का मतलब वो नहीं है। इतने डिवेलपमेंट का मतलब की आ सम ऑफ टोटल चेंजस, सम ऑफ टोटल चेंजस अकर्स इन अ ऑर्गेनिजम, एक ऑर्गेनिजम दे विच टोटल चेंजस जेडे आ रहे हैं थ्रू आउट हिज लाइफ, दैट इज डिवेलपमेंट। कि डिवेलपमेंट हुई है हम देखो ऑर्गेनिजम में वर्ड तो लिखता कि ऑर्गेनिजम तो चेंजस आ रहे हैं, ऑर्गेनिजम अगर चेंज आएंगे, देखो मैं बिल्कुल बेसिक तो चलता, जो अपने बेसिक एलीमेंट्स थे नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन कार्बन दे ऑल कंबाइन टू मेक सेल्स, सेल्स तो फर्दर क्या बनते हैं जी टिश्यूज। तुम कहोगे सैल क्यों बनाता है, तो अरे भैया डीएनए बनता है, मतलब डीएनए फॉर द सैल, दैन टिश्यूज, टिश्यूज तो बाद क्या बनते हैं मसल, मान लो ज ऑरगैनस, ऑरगैन तो बाद क्या बनता है ऑर्गेनिजम, ऑरगन जो ऑरगैन का एक पूरा सिस्टम बन जाता है, ऑरगन का एक पूरा सिस्टम बन जाता है, दैन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑरगेनिजम। क्लीयर? चलो होपफुली क्लीयर हो गया होगा पॉइंट कि डिवेलपमेंट का मतलब क्या होता है। एंड देखो डिवेलपमेंट भी कोई पक्का तरीका नहीं है कि दस सकते हैं कि ये लाइफ हैगी या नहीं हैगी। ठीक है जी, थर्ड अडेप्टेशन आल्सो नॉट अ रिप्रोडक्शन, ये भी नहीं है। अगर भी दो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो मतलब ये थोड़ा कहना लाइफ नहीं हैगी, लाइफ हो सकती है मे बी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे ड्यू टू सम रीजंस, तो पक्का नहीं कह सकते क्योंकि रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे तो मतलब लाइफ नहीं हैगी, लाइफ हो सकती है। देखो एवोल्यूशन, यस एवोल्यूशन इज अ साइन ऑफ लाइफ, यस अगर लाइफ है तो पक्का वो इवॉल्व करेगी करेगी। ठीक है जी, ये तुम्हें टेंथ क्लास पढ़ चुके अच्छे तरीके ना वेरिएशन वगैरह एवोल्यूशन वगैरह, अगर डाउट होगा मैं स्टिल कोई गल नहीं एक वीडियो बनाऊंगा उस मैं सारा तुम्हें क्लीयर कर दूंगा क्या होंगे। दैन सिक्स चीज़ आ गई मैटाबोलिज्म, देखो मैटाबोलिज्म इज द साइन ऑफ लाइफ, बिल्कुल मैं 100% श्योर होकर कह सकता कि अगर किसी लिविंग ऑर्गेनाइजम मैटाबोलिज्म नहीं हो रही हैगी तो
उस लाइफ पॉसिबल नहीं, मतलब मैटाबॉलिज्म इज द परमानेंट प्रूफ फॉर लाइफ। क्लीयर, तुम एक वर्ड नोट कर सकते हो, यस मैटाबॉलिज्म इज द परमानेंट प्रूफ फॉर लाइफ एज वेल एज एवोल्यूशन, बट ये नहीं है। ठीक है जी, चलो रब करते हैं, अगे चलते हैं। देखो मैं अगेन रिपीट कर रहे हैं, एक कोई टेक्निकल वीडियो नहीं, इस जस्ट इंट्रोडक्शन, अपनी चैप्टर की इंट्रोडक्शन, लाइफ किद्दां बनती है, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर अपना। देखो जो आप नैक्सट चीज़ आप डिस्कस करनी है अबाउट लाइफ, आप ग्रोथ वगैरह लिख लिया सारा कुछ, कि कहड़े कहड़े फैक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं कि किसी चीज़ लाइफ हैगी या किसी चीज़ नहीं हैगी। नैक्सट थिंग जो आएगी, हाँ लाइफ तो एक होर एक आप एक दो चीज़ा होर लिख सकते हैं, शायद मेरे तो रह गई हैं, दैट इज एजिंग एंड दैन लास्ट वन डैथ, आह दो चीज़ा मेरे तो रह गई सी, बाकी मैं फैक्टर चार पाँच लिखते थे, दो चीज़ा रह गई सी, फर्स्ट वन इज एजिंग, एजिंग मतलब बुढ़े होना, सिंपल जी गल है, एज बदना। ठीक है जी, अगर किसी को लाइफ हैगी है दैन श्योरली ओदियाँ एक्टिविटीज थ्रू आउट टाइम द विद टाइम स्लो होंगे जाएंगे। आप देखते हैं ना, आप बचपन से किन्ने ज़्यादा तेज होंगे, फिर आप घटते जाते घट एक्टिविटीज़ घटते जाते हैं, दैन एंड से आगे बिल्कुल एक्टिविटीज़ बंद हो जाए। डैथ, डैथ इज़ द परमानेंट प्रूफ फॉर लाइफ। अगर कोई चीज़ लिविंग हैगी है वो डैथ होगी ना, अगर वो लिविंग वो लाइफ नहीं सी फिर डैथ का तो कोई मतलब नहीं है। देखो डैथ एक सच्चाई है जिन्हों कोई भी खत्म नहीं कर सकता। देखो डैथ होना जरूरी भी है, अगर डैथ नहीं होगी तो देखो सोच के देखो, अगर ऑर्गेनिजम डाई नहीं करेंगे, अगर ऑर्गेनिजम डाई नहीं करेंगे दैन इतने अर्थ के ऊपर क्या हो जाएगी, ओवर क्राउडिंग, समझ रहे हो, न्यू ऑर्गेनिजम बॉर्न ही नहीं कर पाने, इतने क्या हो जाएगी ओवर क्राउडिंग, जगह नहीं बचनी किसी को, तो डैथ मस्ट बी देयर। सैकेंड चीज रिसोर्सिस नहीं पूरे होने, रिसोर्सिस दिमाग लगाओ, जो मेरी बॉडी है, जो मेरी बॉडी है जिन्हें आप गुरबाणी पढ़ते हैं, पांच चीज़ें बनी हुई है बेसिकली आप कहने, ठीक है जी, हवा हो गई, पानी, मिट्टी, सारा कुछ जो भी अग्नि हो गई, ठीक है जी, पांच चीज़ें बनी हुई है। हुण ये पांच चीज़ें अपने को लिमिटेड ने, अगर सपोज करो मेरी बॉडी खत्म नहीं होगी, जब मेरी बॉडी खत्म होगी तो जिन्हें चीज़ों ने मेरी बॉडी बनी हुई थी वो वापस कितने चले गई, अर्थ मतलब इतने आ गई वापस, तो वापस रीकंबाइन होकर किसी होर चीज़ को जन्म दे सकते हैं। अगर ये चीज़ खत्म ही नहीं होगी, अगर कोई ऑर्गेनिजम खत्म ही नहीं होगा तो इन चीज़ों की शॉर्टेज आ जानी है, मतलब ये रिसोर्सिस ने, पानी हो गया, हवा हो गया, या अग्नि हो गई, कोई भी मिट्टी होगी, इन सारी चीज़ों की क्या शॉर्टेज आ जानी है। सो डैथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ऑर्गेनिजम डाई नहीं करेगा वो बॉडी गलेगी सड़ेगी नहीं, तो जो रिसोर्स ने पूरे नहीं होंगे, मतलब एक तरीके ना गॉड ने साइकिल बनाया हुआ है, साइकिल, साइकिल ऑफ रिसोर्सिस। हम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, कार्बन मैं यूज कर रहे हैं, जो डैथ होगी तो कितने होर चले जाने, ठीक है जी, वो नहीं कदम खत्म होने, अगले किसी ऑर्गन में ट्रांसफर हो जाएंगे, मतलब डैट इज साइकिल, साइकिल एक पूरा। तो मैं डैथ के बारे एक इंटरस्टिंग चीज़ दसना चाहना, देखो बियॉन्ड स्टडी भी बहुत सारी चीज़ें होंगे ने, अपन जरूर नहीं कहो बुक्स ना ही मत्था मारना, बहुत सारी चीज़ें इदा भी होंगे जो आपको समझनी चाहिए ने। देखो बहुत अपने वर्ल्ड के न्यूरो साइंटिस्ट ने, देखो न्यूरोलॉजी इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, न्यूरोलॉजी इट्स अ मिक्सचर ऑफ बायोलॉजी एंड फिजिक्स, जो बेसिकली दिमाग ना स्टडी कर, दिमाग की स्टडी करते हैं, ठीक है जी। तो अगर मैं तुम्हें दसा कि नियरली फ्रॉम लास्ट 30 to 40 ईयरस एक एक्सपैरीमेंट चल रहे, एक एक्सपैरीमेंट चल रहा, वो एक्सपैरीमेंट का प्रैक्टिकल की है कि उन्होंने मानना कि जो अपना ह्यूमन ब्रेन है, जो ह्यूमन ब्रेन है इट्स जस्ट लाइक अ कंप्यूटर। मैं एक एग्जाम्पल दिना थोड़ा, जो मैं सपोज करो, जस्ट सपोज, ध्यान ना समझो गल, मेरे को कंप्यूटर से, ठीक है जी, वो एक हार्ड डिस्क होंगी, हार्ड डिस्क सारा कुछ होंगे, ए टू जेड जो जो मेरी चीज़ें ने हार्ड डिस्क के बिच ने, सारिया मेरी फोटोज, वीडियोज, ए टू जेड सारा कुछ। अगर मैं वो हार्ड डिस्क, वो हार्ड डिस्क कढ के किसी होर कंप्यूटर च लगा देवां, ठीक है जी, तो फिर जो वो दूसरा कंप्यूटर आ, क्या मैं लगेगा कि वो मेरा कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि ए टू जेड सारा कुछ तो जो मेरे कंप्यूटर से वही कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया, मतलब एक कंप्यूटर
दूसरे कंप्यूटर से कन्वर्ट करता जस्ट बाय रिमूविंग हार्ड डिस्क, यदि हार्ड डिस्क में पाता। इदा ही साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं मनना की है कि ह्यूमन ब्रेन इज अ सॉर्ट ऑफ अ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क मतलब ये इनफॉर्मेशन स्टोर है अपने ब्रेन च की इनफॉर्मेशन स्टोर है। अगर आप किसी तरीके ना इस इनफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर पाइए कढ़ पाइए तो किसी चीज़ स्टोर कर पाइए एंड आफ्टर स्टोरेज उन्होंने कोशिश की है सपोज करो मेरे ब्रेन के बच्चों सारी इनफॉर्मेशन कढ़ के सपोज एरे च स्टोर करते ठीक है जी मेरे ब्रेन की सारी चीज़ ये मैं मतलब डाई कर गया मेरी बॉडी खत्म हो गई बट मेरे ब्रेन की सारी इनफॉर्मेशन ये। अगर मैं इस चीज़ को कामयाब हो जावा किसी दूसरे परसन के ब्रेन के इनसर्ट कर देव इस इनफॉर्मेशन दूसरे परसन के इनसर्ट कर देव फिर क्या होगा उस परसन के ब्रेन के अंदर सारा कुछ सारी इनफॉर्मेशन मेरी होगी मेरी इनफॉर्मेशन होगी। जब मैं कंप्यूटर है ना आ वाला कंप्यूटर यदि हार्ड डिस्क कट गए पाती थी तो कंप्यूटर यही तो बन चुका है। इदा ही प्लैनिंग कि ब्रेन के इनफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके ठीक है जी दूसरे बंद ब्रेन च पा दो इस तरीके मैं मरूंगा नहीं कभी दिमाग गल आई क्योंकि मैं हूँ उस दूसरी बॉडी के अंदर जिंदा हो गया मेन तो ब्रेन ही है ना मैंने पता होगा कि मेरा रिश्तेदार कौन है मेरी भैन कौन है मेरा वो सारा कुछ मेरे ब्रेन स्टोर है उस बंदे का ब्रेन वॉशआउट करता मेरा ब्रेन उसे इंसर्ट हो गया। तुम कहोगे तो मजाक चल रहा नहीं क्या कही जा रहे मजाक कर रहे हो तुम उल्लू बना रहे हो साडा तो थोड़े सामने हम चार पाँच एक बयान आ रहे हैं बड़ा देखो उन्होंने मैं थोड़े लिए स्पैशली चूज किए ने चार पाँच बंद बयान ने तो यार ध्यान ना पड़ो इन्हों की कह रहे हैं एंड जो मैं थोनों आ आइडिया कहा है कि नहीं डैथ नू ओवरकम करने आ कुछ हो रहा दे जस्ट वॉन्ट टू ओवरकम डैथ जो कि अपने वर्ल्ड के मिलीनियर्स ने जो बहुत ज़्यादा पैसा है वो चाहते ने किसी कहते मरीए ना यह तो पक्का पता कि बॉडी तो खत्म होनी ही होनी है बट वो अपने ब्रेन को खत्म नहीं होना देना चाहते तो इन्हों रिसर्च लिए फंड कर रहे हैं वो फंडिंग दे रहे हैं साइंटिस्ट को कि तुम ये टैक्नोलॉजी कढ़ो एंड 2050 तक नीयरली ये टेक्नोलॉजी बन के पूरी तरह रेडी हो जाएगी दैट इज़ 100% गरंटी। क्लीयर तुम कहोगे नहीं एक मैं तुम्हें मूवी सुजैसट करदा एक मूवी देखियो मूवी का नाम है मायावन प्लीज़ मस्ट वॉच थोड़े 3 घंटे खराब नहीं जाएंगे ठीक है जी तुम्हें बहुत कुछ देखने मिलेगा इस मूवी के पिछों एंड इस कंसैप्ट जो मैं कह रहा कि डैथ को ओवरकम कर सकते हैं इस प्रोसैस को इस मूवी के बहुत अच्छे तरीके दिखाया गया तो प्लीज़ वॉच इट तुम्हें पता लगेगा कि हाँ जो मैं कह रहे थे बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट चीज़ तो चलते हैं मैं थोड़ा होर पास चले गया सॉरी बट ये चीज़ें भी तुम्हें पता होनी चाहिए एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट कि न्यूरोसाइंस के क्या क्या स्टडी हो रही है अजकल नहीं तो अभी बस बुक्स में चढ़ते रहने कि नहीं आदा हो गया इदा हो गया इदा हो गया बुक सारा कुछ नहीं दे सकती। नेक्स्ट चीज़ है जी करैक्टर इज ऑफ अ लिविंग बीइंग अगर कोई लिविंग बीइंग हैगा तो वो कीड़िया क्वालिटीज हो मैं जस्ट एक क्वालिटी एक्सप्लेन करूँगा बाकी पर नेक्स्ट लैक्चर से करा ठीक है जी। फस्ट डेफिनेट शेप एंड साइज थोड़ा जहा ध्यान ना समझो यदा मतलब की आ इस चीज़ का मतलब की आ इस टर्म तो कि पता लगेगा कि भी ये चीज़ नॉन लिविंग आ कि मैं कि लिविंग इस चीज़ अपन इस चीज़ अपन कि मैं दस सकती है एग्जाम्पल लेना मैं सपोज करो डॉग्स की ब्रीड है समझ लो डॉग्स हम डॉग्स बहुत तरह के ने एक डॉग छोटा जहा डग जिन्होंने आप पग कहने एक ऐड से भी आता होंगे एक डॉग एडा वड्डा काफ़ी वड्डा डॉग है मतलब डॉग के वेरिएशन आती है छोटा भी है वड्डा भी है मीडियम भी है सारा बट इन्हें साइज के नहीं है कि एक डॉग बेचारा बस 1 फुट का है तो दूसरा डॉग 1000 फुट का हो गया क्या इदा हैगा कि एक डॉग 1 फुट का दूसरा डॉग की है दूसरी ब्रीड की 1000 फुट की होगी क्या इन्नी वेरिएशन हैगी आंसर आ नो अगर वेरिएशन हैगी तो बहुत डेफिनेट आ छोटी वेरिएशन आ समझ गए अगर किसी दो चीज़ों एक डेफिनेट वेरिएशन आ रही है दैन वी कह सकता कि डेट इज लिविंग थिंग तितलियाँ ले लो तितलियाँ बटरफ्लाईज की शेप जो साइज आलमोस्ट देखो सारिया काइंड का आलमोस्ट इक्वल होंगे अगर कोई छोटी बटरफ्लाई एक बड़ी बटरफ्लाई तो ज़्यादा फर्क नहीं होगा साइज के बट एक पहाड़ छोटा भी होंगे
एक पहाड़ माउंट एवरेस्ट वर्गा बड़ा भी होंगे। आह पहाड़ जस्ट 300 फुट लंबा है, आह पहाड़ सपोज करो 13,000 फुट लंबा है। देखो कितनी वेरिएशन आ गई, इतनी वेरिएशन क्यों आ गई? बिकॉज दे आर नॉन लिविंग्स। एक गल दिमाग च बिठा लो, पॉइंट नोट कर लो कॉपी के उपर कि लिविंग बीइंग्स के विच एक पार्टिकुलर ब्रीड के अंदर, एक पार्टिकुलर ब्रीड के अंदर, ठीक है जी, उस प्रजाति के अंदर उन्हों का साइज का ज़्यादा फर्क नहीं आऊगा। ऐदा नहीं है कि तुम कीड़ी को कंपेयर कर दो हाथी नाल, नो, कीड़ी को उसकी ब्रीड नाल ही कंपेयर करोगे, हाथी ने उसकी ब्रीड नाल ही कंपेयर करोगे कि एक हाथी एड्डा बड़ा है, एक हाथी एड्डा बड़ा है, तो वेरिएशन डेफिनेट होंगे, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती है जी। क्लीयर? जिमें अपना जो बंदा कोई बॉर्न होंगे, छोटा बेबी होंगे, ठीक है जी, दैन बड़ा हो गया, बड़ा हो जाता, क्योंकि अंदर की आ अपने अंदर चेंजस आते हैं, अपने अंदर की आ सैल, न्यू बॉर्न बेबी घट सैल होंगे, दैन सैल की गिनती बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, ऑर्गन्स बड़े होंगे जाते हैं, डिवेलपमेंट कह सकते कि डिवेलपमेंट होंगे उत्थे। तो फस्ट पॉइंट क्लीयर हो गया जी, एक लिविंग परसन का करैक्टराइज की आ कि उसकी अपनी पार्टिकुलर ब्रीड के अंदर की आ डेफिनेट शेप तो साइज होएगी, मतलब साइज कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं आऊगा। क्लीयर है जी? इतने एक तुम टर्म देखने को मिलेगी थोड़ी बुक के, दैट टर्म इज कॉल्ड द मॉर्पस। द मॉर्पस उन्होंने कहा जाता है, उन्होंने कहा जाता, ध्यान सुनो, जिन्हों की साइज के ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती, जिमें एक डॉग तो दूसरा डॉग दोनों आपस मॉर्पस ने, एक डॉग की ब्रीड तो दूसरे डॉग की ब्रीड आपस क्या ने मॉर्पस, जो कि लिविंग्स ने। लिविंग्स क्यों ने पता लग गया? क्योंकि इन्हें साइज से कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, साइज च ज़्यादा फर्क नहीं आ, ठीक है जी। मॉर्पस टर्म कि यूज की जाती है, यह जे ऑर्गेनिजम या यह जी ब्रीड के जिन्हें की आ साइज के ज़्यादा फर्क नहीं होता। एक टर्म आती है अमॉर्पस, अमॉर्पस उन्होंने यूज की जाती है बायोलॉजी के, जिन्हें साइज क्या होएगा, इको इको ब्रीड के आ रहे हैं बट साइज बहुत फर्क है। एग्जाम्पल दिस हिल्स, एक हिल बहुत छोटी है, एक हिल बहुत बड़ी है, 13,000 फुट, 300 फुट, कितना फर्क है। तो आप इन्हों इन्हों वर्ड कहते यूज करा दे आर अमॉर्पस, अमॉर्पस अमॉर्पस मतलब इररेगुलर, कि उन्होंने वेरिएशन की आ रहा इररेगुलर। मॉर्पस का मतलब क्या होंगे? रेगुलर, दैट द वेरिएशन इज रेगुलर। अगर एक बंदा 5 फुट 10 इंच का तो दूसरा बंदा बदो बद 6 फुट 1 इंच का हो सकता, ऐदा नहीं क्योंकि 50 फुट 3 इंच का हो गया, नहीं, द वेरिएशन इज रेगुलर। क्लीयर? तो फस्ट टर्म आप इतने सीखी कि मॉर्पस नॉर्पस क्या होंगे ने, तो बेसिकली अमॉर्पस नॉन लिविंग होंगे, मॉर्पस आप डिफाइन करेंगे टर्म फॉर लिविंग बीइंग्स। क्लीयर? चलो नैक्सट चीज़ देखते हैं, चलो नैक्सट आप बाकी नैक्सट लैक्चर करा, जस्ट एक इंट्रोडक्शन सी लिविंग वर्ल्ड, इस लैक्चर आप बेसिकली सीखा गया, मैं सारा सबको समअप कर देना, लाइफ क्या होंगी है, ठीक है जी। लाइफ इज जस्ट अ कॉम्बीनेशन ऑफ कंपलैक्स रिएक्शन, कंपलैक्स रिएक्शन होंगे ने, ठीक है जी, उन्होंने कंपलैक्स रिएक्शन करके की लाइफ चलती है। एंड कंपलैक्स रिएक्शन कौन पार्ट लेंगे ने? बेसिक एलीमेंट्स जो कि केमिस्ट्री चो या केमिस्ट्री स्टडी चो होंगे, नाइट्रोजन फॉस्फोर सारे मिलकर एक ऑर्गेनाइज मैनर के, एक ऑर्गेनाइज मैनर के चीज़ा खेलते हैं, एंड दैट्स वाई वी आर कॉल्ड एज द ऑर्गेनाइजम, इस ऑर्गेनाइज मैनर च होंगे। नैक्सट आप चीज़ क्या देखी थी, मैं तुम थोड़ा दसा सीगा कि रिसर्च चल रही है न्यूरोलॉजी के, कि डैथ न खत्म या डैथ न ओवरकम करना चाहते हैं, तुम समझाया कि किस तरीके ना, जस्ट टू एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट द इनफॉर्मेशन एंड पुट इन टू सम अदर परसन, ठीक है जी। नैक्सट करैक्टरिस्ट ऑफ लिविंग बीइंग पढ़ना स्टार्ट किया, फस्ट करैक्टर देखे आप दैट इज डेफिनेट शेप एंड साइज, वो अपने को क्या आया अमॉर्पस एंड मॉर्पस। क्लीयर? चलो मिलते हैं नैक्सट वीडियो के, प्लीज़ अपने नोट्स तैयार करी जायो एंड focus on understanding things, not to remember things. Clear? Remember karna kuch nahi.